नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने मंगलवार को अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री नरेंद्र कश्यप, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, शकुंतला मिश्रा, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरकेपी सिंह सहित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कार्यशाला दिव्यांगों को सशक्त बनाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यशाला में मौजूद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि शुरू से ही मेरा प्रयास रहा है कि सामूहिक रूप से विभागीय अधिकारियों से संवाद किया जाए। ये प्रयास आज पूरा हुआ है। विभिन्न जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कई सुझाव और जानकारियां मिलती थी। विभागीय योजनाओं की जानकारी और उन योजनाओं का अनुपालन कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे। आज इस कार्यशाला में यही हुआ है। दोनों विभागों के प्रदेश, मंडल, जनपदीय अधिकारियों की वर्कशॉप आज लखनऊ में आहूत की गई है। मंत्रालय का, सरकार का, अधिकारियों का मंशा है कि दोनों विभागों के अधिकारी सरकार की योजनाओं के बारे में, नवाचार के बारे में और जो जो कठिनाइयां इन विभागों के काम के क्रियान्वयन में आती हैं, उन सबको समझ के उत्तर प्रदेश में हम लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचा सकें, समस्याओं का निदान करा सकें, सरकार की योजनाओं का सही प्रकार से अनुपालन करा सकें, तो आज एक दिवसीय वर्कशॉप लखनऊ में दोनों विभाग के माध्यम से आहूत की गई है, खुशी की बात है। वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये दोनों ही लाभार्थियों की संख्या बढ़ाए जिससे टारगेट को पूरा किया जा सके और जनता की खुशहाली बरकरार रहे। कि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों विभाग के समस्त अधिकारी लाभार्थियों तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान ठीक से दे सके, उसके लिए आज वर्कशॉप संपन्न हो रही है। खास तौर से पिछड़ा वर्ग कल्याण में बच्चों को छात्रवृत्ति, शुल्क पूर्ति समय से मिले। पहले थोड़ा देर होता था, विलंब होता था, तो ग्राउंड पे हम कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले उनको छात्रवृत्ति दें। शादी अनुदान की राशि जो 20,000 रुपये मिलती है पिछड़ा वर्ग के बच्चियों की शादी के रूप में, उनको त्वरित उनके अकाउंट तक पहुँचाएँ। छात्रावासों का उपयोग ठीक से हो और दिव्यांगजन के रूप में खास तौर से जो शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपये देते, जिसमें शादी की बाध्यता सम्मिलित थी, उस बाध्यता को समाप्त किया गया। दिव्यांगजन अधिक से अधिक विभाग के साथ जुड़कर दोनों विश्वविद्यालय में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, दोनों विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगजनों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि ये रूटीन कार्यशाला नहीं, आज हम पेंशन और स्कॉलरशिप की ही बात नहीं करेंगे, विभाग की प्राथमिकता शिक्षा देना भी है, आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं आज इस पर मंथन किया गया। हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, दिव्यांगों का जीवन कैसे सरल और सुगम हो सकता है, इस पर बातचीत हुई। उद्यमशीलता क्या है, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, स्टार्टअप की दुनिया में कैसे दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, इस पर मंथन किया गया। कुल मिलाकर $1 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य में हमारा विभाग भी बड़ा योगदान दे, इस पर बातचीत की गई। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।